नमस्कार सभी को। मैं फरीदाबाद से आई हूँ, रहने वाली आगरा की हूँ। और शादी के बाद, बच्चों के बाद, उससे पहले भी मैंने सुना था ये तुम्हारा घर नहीं है, वहाँ जाके मज़े करना, अपने आप को दूसरे घर में ढूंढना। मुझे अभी तक मेरा घर मिला नहीं है, तो मैंने सोचा कि कुछ मैं अपना, मेरा सलीका इस कविता का नाम है, तो मैं कुछ जो करना चाहती हूँ अब शुरू करा है मैंने करना। मैं आज में होना चाहती हूँ, सब कुछ अपने सलीके से जीना चाहती हूँ, समुद्र को मीठा और बादलों को सीना चाहती हूँ। मैं आज में होना चाहती हूँ, सब कुछ अपने सलीके से जीना चाहती हूँ। जंगलों की खुशबू को ओढ़ना, जंगलों की खुशबू को ओढ़ना और नदियों के साथ उड़ना चाहती हूँ। मैं आज में होना चाहती हूँ, सब कुछ अपने सलीके से जीना चाहती हूँ। ये बहुत खास है। पानी पे चलना, पानी पे चलना और रेत को मुट्ठी में थामना चाहती हूँ। मैं आज में होना चाहती हूँ, सब कुछ अपने सलीके से जीना चाहती हूँ। आग को बर्फ से सुलगाना, आग को बर्फ से सुलगाना और रेगिस्तान में सर्दी की ओस चाहती हूँ। मैं आज में होना चाहती हूँ, सब कुछ अपने सलीके से जीना चाहती हूँ। नए नए सपने बुनकर, नए नए सपने बुनकर अश्कों के मोती से शाहराह सजाना चाहती हूँ। मैं आज में होना चाहती हूँ, सब कुछ अपने सलीके से जीना चाहती हूँ। बहती नदी के रुख को सहराओं की गलियों में मोड़ना चाहती हूँ, बहती नदी के रुख को सहराओं की गलियों में मोड़ना चाहती हूँ। मैं आज में होना चाहती हूँ, सब कुछ अपने सलीके से जीना चाहती हूँ। उधार पर, उधार पर जो मैं अभी फिलहाल कर रही हूँ, उधार पर चिड़ियों के पंख लेकर, उधार पर चिड़ियों के पंख लेकर सूरज को छुट्टी देना चाहती हूँ। सब कुछ अपने सलीके से जीना चाहती हूँ। यहाँ पर सबने इश्क के बारे में लिखा था, मेल फीमेल से रिलेटेड लिखा है। आई थिंक ये वाला पता नहीं किसी ने जरिया देखा होगा कि नहीं। जब लॉकडाउन लगा था तो आई एम शिवरिंग, बहुत सारे टॉपिक सामने आए थे जिसके अंदर पता नहीं है किसने गौर किया कि नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन इंक्रीज्ड द मोस्ट, तो उसी को तेरा हक, शादी के बाद भी, शादी के पहले भी, बॉयफ्रेंड हो, फादर हो, ब्रदर हो, हम सिर्फ एक ही तरीके से फीमेल को, मुझे ऐसा मेरे को लगा कि हम फीमेल को सिर्फ एक ही तरीके से अपना पाते हैं, वो है माँ। बहन में भी ऐसी होनी चाहिए, दोस्तें नहीं बात कर, ये नहीं कर, वो नहीं कर, डॉटर ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो तेरा हक मैं अब हक दे रही हूँ। हक तो तेरा ही था, तेरा ही है। मेरी भद्दी शक्ल, टेढ़े और पीले दांतों पर अजीब और तीखी इस दिल की आवाज, लेकिन अपनेपन की सोच पर, आत्मा पर और मेरे ख्वाबों पर तेरा कोई हक न था, न होगा। लेकिन हाँ, मेरे काले रंग, चिड़चिड़े स्वभाव और गंदे अल्फाजों पर हक तो तेरा ही था, तेरा ही है। मेरी छाती पर ये मुलायम ढीले वक्ष और झुर्रियों से और झुर्रियों वाले ढीले कूले पर हक तो तेरा ही था, तेरा ही है। लेकिन जवानी से भरा मन, उड़ने की इच्छा, प्यार उड़ेलने वाले चिकने बदन पर हक न तेरा था, न होगा। मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ न तूने देखा और ना ही देख पाएगा, क्योंकि तेरे को हक मैंने ही दिया था और मैं ही लेती हूं। अगर सब देख पाता तो हक लेना ना पड़ता, बस यूं ही सब मिल जाता, बस यूं ही सब मिल जाता। आज की जनरेशन के लव, मेरा जनरेशन वाला दूसरा है। तुम्हारे लव लेटर, तुम्हारे लव लेटर अब शर्मिंदा करने लगे हैं मुझे, क्योंकि फेसबुक पर लाइक तुम्हारे कम होते हैं। तुम्हारा गुड़ जैसा मीठा प्यार अब डायबिटीज का डर दिलाने लगा है, क्योंकि तुम्हारे लव लेटर अब शर्मिंदा करने लगे हैं मुझे। तुम्हारा प्यार दूध की चाय के जैसा एसिडिटी का अटैक कर देता है, क्योंकि तुम्हारे लव लेटर अब शर्मिंदा करने लगे हैं मुझे। तुम्हारा प्यार अब कुछ ज्यादा ही ऑयली ऑयली लगने लगा है, क्योंकि तुम्हारे लव लेटर अब शर्मिंदा करने लगे हैं मुझे। कभी ये सब बड़ा अच्छा लगता था, पर अब आउटडेटेड सा हो गया है, तो प्लीज अंडरस्टैंड। तुम्हारे लव लेटर अब शर्मिंदा करने लगे हैं मुझे। प्लीज, क्या तुम सोशल मीडिया पे प्यार नहीं दिखा सकते? प्यार में गुड़ की जगह शुगर फ्री यूज नहीं कर सकते। प्यार की एसिडिटी ना हो तो ग्रीन टी जैसा प्यार जताओ। हाँ, अब मैं वेट कॉन्शियस हो गई हूं तो ऑयली प्यार की जगह हेल्दी ऑयल फ्री लव सीख लो, क्योंकि तुम्हारे लव लेटर अब शर्मिंदा करने लगे। डन, माय टाइम इज डन।